जीएसटी को लेकर पिछले दो दिनों से आंदोलन कर रहे कपड़ा व्यापारी दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। कारण है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा आज शोरी क्लॉथ मार्केट में व्यापारियों का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के तहत उनके समर्थक और एक यूनियन के प्रधान गुलशन ईशपुनियानी ने उनके भव्य स्वागत और यहीं पत्रकार वार्ता की व्यवस्था कर रखी है। इसके दूसरी तरफ राजीव मल्होत्रा समर्थक इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जीएसटी लागू है, वहाँ कांग्रेस जीएसटी का समर्थन कर रही है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटक, इन जगह पर जीएसटी लागू कर दिया गया है, जिसका हम इस दोगली नीति का बहिष्कार करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए हैं, ये कोई राजनीति करने का स्थान नहीं है, ये एक व्यापारिक मंच है जहाँ सभी व्यापारी इकट्ठा होकर अपना काम कर रहे हैं। सभी व्यापारियों ने इकट्ठा होकर अपनी एकता दिखाकर इस बंद को सफल बनाया है। हम कल दुकानें खोलेंगे, कल हमारा सरकार से कोई फैसला हो गया तो ठीक है, नहीं तो परसों से हम निश्चित कर हड़ताल के लिए जाएंगे। उनका कहना है कि शोरी क्लॉथ मार्केट में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पहुँचते हैं तो वे इसका विरोध करेंगे। सिंह हुड्डा अगर यहाँ मार्केट में पहुँचते हैं तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे।